इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूस्टेक एक्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है ब्लूस्टेक एक्स पर, क्योंकि गाइस जब ब्लूस्टेक एक्स रिलीज़ हुआ था ना, जब इसमें इतनी दिक्कतें नहीं थी जितनी कि अब हो चुकी है। बहुत लोगों के ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहे, बहुत लोगों के BGMI नहीं चल पा रहा है, लोगों को लग रहा है कि भाई ब्लूस्टेक एक्स का एक स्टेबल वर्जन आ चुका है, जिस वजह से गाइस जो ऑनलाइन साइट है ना इसकी वो बंद हो गई है। तो आज जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ब्लूस्टेक एक्स के ऊपर, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, आपको थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो अगर आप ब्लूस्टेक एक्स के ऊपर गेमिंग करते हो तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारी प्रॉब्लम को मैं लेने वाला हूं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दिन पे दिन ब्लूस्टेक एक्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ती जा रही है, इनमें दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई हमारा जो गेम प्ले है ना वो कहीं ना कहीं इससे बिगड़ रहा है। बहुत लोग BGMI नहीं खेल पा रहे, बहुत लोग COD नहीं खेल पा रहा है, बहुत लोग फ्री फायर नहीं खेल पा रहे। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर आपको मैं ब्रीफ बताने वाला हूँ कि भाई इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है और क्या ये दिक्कत है और किससे ये हो रही है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम से। जो हमारी पहली प्रॉब्लम है वो है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई ब्लूस्टेक एक्स का स्टेबल वर्जन आ चुका है, जिस वजह से जो ऑनलाइन साइट है ना वो बंद हो गई है। तो गाइस पहले क्या होता था कि जब हमें ब्लूस्टेक एक्स के ऊपर गेम प्ले करना पड़ते थे तो हम क्या करते थे, इसकी जो ऑनलाइन साइट है ना जो कि ऐसी दिखती है, इसके ऊपर जाते थे और आराम से यहां पर गेमिंग शुरू हो जाती थी। पर अभी क्या हो रहा है कि अगर हम इस वेबसाइट पर जाते हैं ना तो हमें यहां पर डाउनलोड का बटन दिख रहा है। अब डाउनलोड के बटन से क्या होता है कि हम इसे डाउनलोड करते हैं ना तो ब्लूस्टेक एक्स का डाउनलोड यहां पर हो जाता है। अब गाइस आपको अगर अपने पुरानी साइट पर जाना है ना तो बहुत सिंपल है, आपको URL सेक्शन में जाना है और आपको यहां पर लिखना है x.bluestack.com। इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे ना तो आप वापस पुरानी वेबसाइट पर आ जाओगे और यहां से आप पुराने जैसे गेमिंग करते थे ना वैसे आराम से यहां पर गेमिंग कर सकते हो। तो गाइस ऑनलाइन साइट बंद नहीं हुई है, पर इनने क्या कर दिया, जो गूगल सर्च में ना वहां से हटा दिया, जिस वजह से गाइस आप इस वेबसाइट पर नहीं आ पा रहे हो। पर आप x.bluestack.com पर जाओगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। तो आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो आप वाली वेबसाइट पर चले जाना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी जा सकते हो। अब चलते हैं हमारी सेकंड प्रॉब्लम पे। जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो है गाइस, बहुत लोगों का BGMI डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब BGMI काफी ज्यादा खेला वाला गेम है, बहुत लोग खेलते भी हैं और इसके ऊपर मैंने काफी पहले वीडियो बना दी थी, बहुत लोगों ने जब खेला भी होगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि जब भी आप ब्लूस्टेक एक्स के ऊपर BGMI को डाउनलोड करते हो ना तो आपको एरर देखने को मिलता है कि कांट इंस्टॉल दिस ऐप। और इसके पीछे रीजन गाइस ये है, पहला रीजन ये है कि गाइस ब्लूस्टेक एक्स ने इस गेम को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है गाइस कि अब ये गेम आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन ये है गाइस, क्योंकि गाइस ये गेम बहुत लोगों ने प्ले करा है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी पहले वीडियो बना दी थी, बहुत लोगों ने इसके ऊपर गेम प्ले करा है। और उससे क्या होता है, जब भी आप एक हैवी गेम प्ले करते हो ना सर्वर पे, क्योंकि क्लाउड गेमिंग सर्वर ही एक तरह से क्लाउड गेमिंग हो रही है, तो अगर आप एक हैवी गेम प्ले करते हो ना तो गाइस ये कहीं ना कहीं क्या करता है, लोड बढ़ाता है क्लाउड पर, जिस वजह से जो बंदे नॉर्मल गेमिंग कर रहे हैं ना वो नॉर्मल गेम्स नहीं खेल पाते। तो गाइस क्या कराया कंपनी ने कि भाई इस गेम को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया, जिस से आप इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। और गाइस दूसरा रीजन ये भी होता है कि क्राफ्टन चाहती है कि भाई हमारा जो गेम है ना ये सिर्फ मोबाइल पर चले, एमुलेटर पर नहीं चले, जिस वजह से गाइस आजकल एमुलेटर पर काफी ज्यादा लोगों को बैन भी देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से भी गाइस ये हो रहा है कि आप ये गेम ब्लूस्टेक एक्स पर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से गाइस इसका कोई सॉल्यूशन मुझे देखने को नहीं मिला है। मैंने बहुत सारा टाइम इसके ऊपर डिवोट करा पर अभी तक मेरे को कोई भी इसका सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला। अब कंपनी ने ही इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो गाइस फिर हम क्या करें, हम कोई हैक या फिर कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे। तो गाइस इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ब्लूस्टेक पर BGMI डाउनलोड मत करो, आपको खेलना है तो आपने मोबाइल पर खेलो। अब गाइस चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉब्लम पे। जो हमारी थर्ड प्रॉब्लम है वो है गाइस ब्लूस्टेक एक्स का सॉफ्टवेयर। गाइज अगर हमें ब्लूस्टेक एक्स पर अभी गेमिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल पे, वहाँ पर सर्च करते हैं ब्लूस्टेक एक्स, फर्स्ट ही फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है और यहाँ पर हमें अब प्ले का बटन नहीं दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है डाउनलोड का बटन। और इस पर हम क्लिक करते हैं तो ब्लूस्टेक एक्स डाउनलोड हो जाता है, उसको फिर हम बाद में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसके ऊपर गेमिंग अगर हम करें तो क्या अच्छे से गेमिंग होगी। तो गाइज मैं बोलूँगा आपको कि आपको ब्लूस्टेक एक्स डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे ना तो इसके अंदर आपको गेम्स बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप उस पर प्ले के बटन पर क्लिक करोगे तो गाइज पहले ये ब्लूस्टेक 5 को डाउनलोड करवाएगा। अब ब्लूस्टेक 5 आप जानते हो कि ये एक एंड्रॉइड एमुलेटर है, तो पहले इसको डाउनलोड करवाएगा, जिसकी साइज 1.5 GB है, 1.5 GB है, पहले वो डाउनलोड करवाएगा और फिर सारे गेम्स उस पर चलेंगे। तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत करना, आप ब्लूस्टेक एक्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्लाउड गेमिंग का मतलब क्या होता है गाइस, कि हम ब्राउजर की मदद से गेमिंग कर पाए। अगर हमें कुछ डाउनलोड करना पड़ रहा है तो क्लाउड गेमिंग का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको जाना है x.bluestack.com वाली वेबसाइट पे और आपकी पुराना जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप आराम से गेमिंग कर लेना। पर ब्लूस्टेक एक्स डाउनलोड मत करना, यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो गाइस आप खुद ही बाद में बोलोगे कि मैं इसको डाउनलोड क्यों करा। तो गाइस ये है कि ब्लूस्टेक एक्स का कोई स्टेबल वर्जन नहीं आया, इनने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर निकाल दिया अपने लिए कि अगर आप ये डाउनलोड कर लोगे तो इससे आप गेमिंग कर सकते हो, पर इनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो इतना अच्छा नहीं है। नॉर्मल आपको पहले एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि बेकार चीज है। तो ब्लूस्टेक एक्स का सॉफ्टवेयर है वो तो इनको डाउनलोड मत करना। अब चलते हैं हमारी लास्ट प्रॉब्लम पे। लास्ट प्रॉब्लम हमारी है कि भाई की मैपिंग
यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रही है। अब गाइस जगह यार की मैपिंग यहाँ पर शुरू से दिक्कत बनी हुई है। की मैपिंग हमें अब एक ही बंदा दे सकता है जो कि है गाइस ब्लूस्टैक। अगर ब्लूस्टैक यहाँ पर कस्टम की मैपिंग हमें ऑफर कर दे तो जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप सोच रहे हो कि कोई डेवलपर या फिर कोई यूट्यूबर हमें ऐसा सॉल्यूशन बता देगा जिससे कि हम इस गेम को आसानी से माउस और कीबोर्ड की मदद से गेम खेल ले, तो गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम एक सिर्फ आपको ट्रिक बता सकते हैं या फिर उसका कोई हमें अल्टरनेटिव बता सकते हैं, पर गाइस पूरी तरीके से सॉल्यूशन जो देगी ना वो खुद कंपनी देगी जो कि ब्लूस्टैक है। अगर ब्लूस्टैक यहाँ पर कस्टम की मैपिंग आपको ऑफर करेंगे ना, जब भी जाके यहाँ पर की मैपिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होगा, उससे पहले गाइस इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। तो होपफुली गाइस मैंने यहाँ पर चारों डाउट्स ले लिए थे और चारों प्रॉब्लम के ऊपर बात कर ली है और आपके ऊपर समझ आ गया होगा आपको कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और आने वाले टाइम पे गाइस ब्लूस्टैक एक्स के ऊपर और भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि अभी फ्री फायर इंस्टॉल हो रहा है वो भी इंस्टॉल ना हो, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो कंपनी ना वो धीरे धीरे बहुत सारे गेम को ब्लैकलिस्ट कर रही है। तो गाइस बस यही है कि अब ब्लूस्टैक एक्स पर हमें और दिक्कतें देखने को नहीं मिले, पर कंपनी है गाइस दिक्कतें देखने को मिलेगी जरूर। तो आगे के लिए तैयार रहना बस, और कुछ नहीं। बाकी गाइस आपको जितनी भी अपडेट्स है ब्लूस्टैक एक्स रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो उसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर लेना। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप ब्लूस्टैक एक्स के ऊपर गेमिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बाकी आपको ब्लूस्टैक एक्स पर क्या आपका एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको यही वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइस इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पर कमेंट कर देना या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत।